हेलो दोस्तों, मेरा नाम उमेर अली और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट इफेक्ट चैनल। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबाएं। तो ये दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शाहीन शाह आफरीदी श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कौमी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शिरकत नहीं करेंगे। शाहीन आफरीदी वर्ल्ड कप के पेश नजर टेस्ट टीम से फिलहाल ब्रेक लेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दो टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे जो कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। दोस्तों, जरा के मुताबिक टेस्ट सीरीज जुलाई में होगी जिसके शेड्यूल का श्रीलंका क्रिकेट जल्द ऐलान करेगा। दोस्तों, ख्याल रहे कि शाहीन आफरीदी जिन्होंने 25 टेस्ट मैचों में 24/86 की औसत से 99 विकेटें हासिल कर रखी हैं, गुज़िश्ता बरस दौरान श्रीलंका के दौरान फील्डिंग करते हुए जख्मी हो गए थे। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने गुज़िश्ता बरस जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। इंजरी से सेहतयाब होने के बाद बाएं हाथ के तेज बॉलर की व्हाइट बॉल क्रिकेट में जरूर वापसी हुई। अलबत्ता उन्होंने होम ग्राउंड पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हिस्सा नहीं लिया था। दोस्तों, वाजिर है कि शाहीन शाह आफरीदी इन दिनों इंग्लैंड में T20 ब्लास्ट में नॉटिंघमशायर की नुमाइंदगी कर रही हैं, जिसमें न सिर्फ बॉलर की गेंदबाजी के चर्चे हुए बल्कि शाइकी ने उनकी बैटिंग से भी काफी महसूस हुए। दोस्तों, अब इम्कान है कि कौमी क्रिकेट टीम के स्टार बॉलर को आराम दिया जाए क्योंकि रवां बरस एशिया कप के साथ साथ आईसीसी वर्ल्ड कप भी है जिसमें शाहीन की मौजूदगी लाजमी होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबाएं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।